हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल यू नंबर वन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अतरंगी रे 83 पुष्पा एंड स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीक में यानी 16 दिसंबर 2021 में इंडिया में रिलीज हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने ओपनिंग डे में तो इंडिया में आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया था, साथ ही साथ सेकंड वीक का शुरुआत में भी मूवी ने बढ़िया कलेक्शन किया है इंडिया में। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने इंडिया में ओपनिंग डे में नेट कलेक्शन किया था 32.67 करोड़, जहाँ पर मूवी का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन था 108.37 करोड़। एंड मूवी ने फर्स्ट वीक में इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 148.07 करोड़। फर्स्ट वीक के बाद यानी कल भी मूवी ने बढ़िया कलेक्शन किया है इंडिया में। मूवी ने इंडिया में कल यानी 9th डे में नेट कलेक्शन किया है 6.75 करोड़। सो मूवी का टोटल इंडिया में नेट कलेक्शन हुआ है 154.82 करोड़, जो इंडियन बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर हिट कलेक्शन है। जहाँ पर आज तो क्रिसमस के छुट्टी के कारण मूवी कलेक्शन और भी बढ़िया होने वाला है। आज यानी 10th डे में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी इंडिया में नेट कलेक्शन कर सकते हैं लगभग 8 से 10 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स, आप चलिए बताते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से अभी तक टोटल कलेक्शन कर चुके हैं लगभग $390 मिलियन। एंड मूवी ने अदर टेरिटरी से टोटल कलेक्शन कर चुके हैं लगभग $500 मिलियन। और इसके साथ ही मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हुआ है $890 मिलियन, यानी 6710 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड वाइड में भी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए बताते हैं इस मूवी का ऑन डे बाद इंडिया में रिलीज हुआ इंडियन मूवी पुष्पा मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, 17 दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ पुष्पा मूवी ने ओपनिंग डे में तो इंडिया ग्रॉस में आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया था, साथ ही साथ मूवी ने हिंदी वर्जन में भी ओपनिंग डे से ही ठीक ठाक कलेक्शन किया है। पुष्पा मूवी ने हिंदी वर्जन में ओपनिंग डे में कलेक्शन किया था 3.33 करोड़, जहाँ पर मूवी का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन था 12.68 करोड़। एंड मूवी ने फर्स्ट वीक में हिंदी वर्जन में कलेक्शन किया था 26.89 करोड़, जहाँ पर फर्स्ट वीक के बाद मूवी कलेक्शन कल भी ठीक ठाक ही हुआ है। मूवी ने कल यानी 8th डे में कलेक्शन किया है 2.31 करोड़, और इसके साथ ही हिंदी वर्जन में मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 29.20 करोड़, जो हिंदी डबिंग मूवी को देखते हुए ठीक ठाक कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए बताते हैं पुष्पा मूवी का साउथ इंडियन एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। पुष्पा मूवी ने ओपनिंग डे में ऑल इंडिया ग्रोस में खास करके साउथ इंडिया में आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया था, साथ साथ फर्स्ट वीकेंड तक भी बेहतर कलेक्शन किया था पुष्पा मूवी ने ऑल इंडिया ग्रोस में। बट फर्स्ट वीकेंड के बाद से मूवी कलेक्शन कमजोर होने लगा था। हालांकि पुष्पा मूवी का साउथ इंडिया का ऑफिशियल कलेक्शन तो नहीं है, बट मुझे जितना भी मालूम है उस हिसाब से पुष्पा मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर चुके हैं लगभग 210 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स, आप चलिए बताते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। फ्रेंड्स, कल यानी 24th दिसंबर 2021 में डायरेक्टर कबीर खान एंड लीड रोल रणवीर सिंह, जीबा, पंकज त्रिपाठी, शाकिब सलीम, दीपिका पादुकोण एंड हैडी संधू का मूवी 83 मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुआ है। 83 मूवी को दर्शकों ने पसंद किया था एंड क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बढ़िया रेटिंग दिया था। सबसे मूवी को बढ़िया स्क्रीन भी मिला था, जिसके चलते मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन बढ़िया हुआ है। 83 मूवी ने कल यानी ओपनिंग डे में इंडिया में कलेक्शन कर चुके हैं 12.64 करोड़, जो सूर्या बंसी एंड स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का कलेक्शन जैसा बढ़िया तो नहीं, बट फिर भी एक अच्छे खासे कलेक्शन है। जहाँ पर आज क्रिसमस का छुट्टी के कारण मूवी कलेक्शन और भी बढ़िया हो सकते हैं। आज यानी 2nd डे में 83 मूवी कलेक्शन कर सकते हैं लगभग 20 से 25 करोड़ प्लस अप्रोक्सीमेटली। एंड कल यानी 3rd डे में भी ये मूवी इंडिया से लगभग 25 करोड़ कलेक्शन कर सकते हैं।
तो आगे देखेंगे 83 मूवी और कितना कलेक्शन करते हैं। आप चलिए बताते हैं इस मूवी के साथ ही इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुआ अतरंगी रे मूवी का OTT कलेक्शन। फ्रेंड्स, अतरंगी रे मूवी को भी क्रिटिक्स ने अच्छे खासे रेटिंग दिया है और मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार अतरंगी रे मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में ओपनिंग डे में व्यूज मिला है लगभग 4 मिलियन। और इसी व्यूज को देखते हुए अतरंगी रे मूवी ने ओपनिंग डे में OTT प्लेटफॉर्म में कलेक्शन किया है लगभग 40 करोड़ प्लस अप्रोक्सीमेटली। हालांकि फ्रेंड्स, मैंने जो OTT व्यूज एंड OTT कलेक्शन के बारे में बताया, इसका कोई ऑफिशियली रिपोर्ट ही नहीं है, इसलिए OTT में रिलीज हुआ किसी भी फिल्म का कलेक्शन एंड व्यूज बोलना नामुमकिन है। बट फिर भी आप लोगों के लिए अतरंगी रे मूवी का OTT व्यूज एंड OTT कलेक्शन के बारे में बताया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।